तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर हीरो मूवीज एंड सीरीज को लेकर कई सारे नए अपडेट्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो अपडेट्स क्या है। तो हमारा सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है अगाथा की सीरीज को लेकर। वेल तो रिसेंटली अगाथा की अपकमिंग सीरीज से अगाथा का फर्स्ट लुक रिवील हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट अपडेट है जोनाथन मेजर्स को लेकर। वेल तो रिसेंटली जोनाथन मेजर्स ने कहा है कि उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा है कि कैंग को डॉक्टर डूम से रिप्लेस किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कैंग का कैरेक्टर बहुत पसंद है और अगर फ्यूचर में उन्हें मौका मिले तो वो कैंग के रोल में रिटर्न करना चाहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है फैंटास्टिक फोर को लेकर। वेल तो रिसेंटली फैंटास्टिक फोर के कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस रिवील हुए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट अपडेट है अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। वेल तो रिसेंटली एक रूमर निकल कर आया है जिसके अकॉर्डिंग फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हमें नजर आ सकता है अवेंजर्स डूम्सडे में। फिर नेक्स्ट अपडेट है कैप्टन मार्वल के एमसीयू में फ्यूचर को लेकर। वेल तो रिसेंटली कैप्टन मार्वल का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ब्री लार्सन ने कहा है कि उन्हें कैप्टन मार्वल के फ्यूचर के बारे में पता है, लेकिन वो इस वक्त बता नहीं सकती हैं। फिर नेक्स्ट अपडेट है डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली डेडपूल एंड वुल्वरीन के कुछ बिहाइंड द सीन इमेजेस रिवील हुए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर भी कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो अभी तक इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 700 मिलियन डॉलर्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। फिर नेक्स्ट अपडेट है बूस्टर गोल्ड की कास्टिंग को लेकर। वेल तो रिसेंटली ब्लू बीटल का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोलो मर्डियाना ने कंफर्म कर दिया है कि कुमेल नंजियानी को बूस्टर गोल्ड के रोल में कास्ट कर लिया गया है डीसीयू के अंदर। फिर नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है फैंटास्टिक फोर मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली एक रूमर निकल कर आया है जिसके अकॉर्डिंग अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी में ऐसा बताया जाएगा कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्टस है। फिर नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है सुपरमैन मूवी को लेकर। वेल तो रिसेंटली इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि इस मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ डेविड कॉर्नस्वीट का एक न्यू लुक रिवील किया गया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर नेक्स्ट अपडेट है एमसीयू के कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर। वेल तो रिसेंटली एक रूमर निकल कर आया है जिसके अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में जितने भी एमसीयू के प्रोजेक्ट्स रिलीज होंगे वो सभी बैटल वर्ल्ड में सेट होंगे। और रिसेंटली एमसीयू के 2026 और 2027 के फिल्म स्लेट्स को लेकर भी कुछ अपडेट निकल कर आए हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि पहले 2026 में टोटल 4 मूवीज रिलीज होने वाली थी, जो कि फरवरी, मई, जुलाई और नवंबर के मंथ में रिलीज होने वाली थी, जिनमें से एक मूवी अवेंजर्स डूम्सडे है और बाकी के 3 मार्वल के अनटाइटल मूवीज हैं। लेकिन रिसेंटली जुलाई वाली रिलीज डेट की जो मूवी है उसे मार्वल ने रिमूव कर दिया है। और वही अगर बात करें 2027 के फिल्म स्लेट की, तो यहाँ पे मार्वल ने 2 अनटाइटल प्रोजेक्ट्स को ऐड किया है 2027 के फिल्म स्लेट में, जो कि हमें अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद जुलाई 2027 और नवंबर 2027 में देखने मिलेंगे। फिर नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है अवेंजर्स डूम्सडे के फिल्मिंग को लेकर। वेल तो रिसेंटली एक रूमर निकल कर आया है जिसके अकॉर्डिंग अवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग 2025 के सेकंड क्वार्टर में लंदन में स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।